नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम MPCB ऑन ऑफ इंडिकेटर की कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं यह देखेंगे। ये एक हमारे पास थ्री फेज मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर है फ्रेंड्स, यानी कि MPCB। इसमें तीन इनपुट यानी कि पावर वाले RYB थ्री फेज की है। RYB ये इनपुट टर्मिनल है और ये वाले आउटपुट है L1 L2 L3 और ये वाले आउटपुट हो गए, यानी कि RYB इधर कनेक्ट करेंगे और आउटपुट इधर से ले लेंगे हम तीनों फेज। और ये जो चार टर्मिनल दिख रहे फ्रेंड्स, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है ये NC और NO, यानी कि जो हम पावर ऑन ऑफ इंडिकेटर की जो कंट्रोल वायरिंग करने वाले हैं वो इसी के साथ करेंगे। जैसे कि हमारी अभी MPCB ऑफ है तो इसमें हमको क्या है ऑफ का इंडिकेशन देगी, और जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो उस टाइम ऑन इंडिकेशन जो हम लगाएंगे इंडिकेटर वो वाला ऑन हो जाएगा। तो ये कंट्रोल वायरिंग करेंगे हम ऑन ऑफ की। इसकी अलग अलग तरीके से अगर हमको स्टार्टर में करनी है, स्टार्टर के साथ इसकी वायरिंग करेंगे, जैसे ही हमारी MPCB ओवरलोड या किसी भी कारण बस ये ट्रिप होती है तो उस टाइम ये क्या करता है ऑटोमेटिकली स्टार्टर ऑफ हो जाता है। तो वैसे भी होती है PLC के साथ भी इसकी फीडबैक के लिए वायरिंग की जाती है। MPCB जब भी ट्रिप होगी तो PLC में फीडबैक जाएगा, आगे सिस्टम को ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा। तो ये वाला उसके लिए है। और ये जो आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये करंट सेटिंग के लिए, ये 11 एम्पियर से लेके 16 एम्पियर इसकी मैक्सिमम करंट है। और ये वाला टेस्टिंग के लिए, ये ऑन ऑफ स्विच है इसका, ये ऑन और ऑफ। टेस्टिंग के लिए फ्रेंड्स क्या है, जैसे ही हमने इसको ऑन कर दिया तो अगर हम यहाँ इसको ड्राइवर से हम इसको टेस्ट करना चाहें तो इसको यहाँ से कोई भी टेस्ट या इसको ड्राइवर से ऐसे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप होगी। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ ट्रिप, तो ये ट्रिप पे आके रुक जाएगा। इसको रीसेट करने का इसको फिर जीरो करना पड़ेगा, यानी कि ऑफ की तरफ, और फिर दोबारा ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगी। तो चलिए फिर इसकी हम अभी ऑन ऑफ इंडिकेटर की कंट्रोल वायरिंग कर लेते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स हम दो इंडिकेटर लेंगे, रेड और ग्रीन। रेड इंडिकेटर ऑन के लिए और ग्रीन कलर इंडिकेटर जो है वो ऑफ में, यानी कि जब ऑन करेंगे तो रेड कलर का इंडिकेटर ऑन होगा और ऑफ होगा उस टाइम ग्रीन कलर का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। तो चलिए फिर इसकी वायरिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स इसमें न्यूट्रल के लिए जो इंडिकेटर है उसमें दो टर्मिनल रहते हैं, एक इंडिकेटर के दो टर्मिनल रहते हैं, जिसमें एक में न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे और एक में फेज कनेक्ट करेंगे। तो इसमें हम दोनों में आपस में एक लूप कनेक्ट करेंगे न्यूट्रल के लिए। न्यूट्रल के लिए हम ब्लैक कलर की वायर का इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ इनपुट जो न्यूट्रल आएगा वो वाली वायर कनेक्ट करेंगे हम। तो ये हमने दोनों इंडिकेटर में न्यूट्रल वाली वायर कनेक्ट कर ली है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम जो MPCB में कंट्रोल के लिए जो पावर आएगी वो वाले हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। 13 नंबर और 22 नंबर को आपस में कॉमन कर देंगे, यानी कि ये NC है और ये NO है, ये NO कॉन्टैक्ट है और ये NC कॉन्टैक्ट है। तो दोनों को आपस में, यानी कि दोनों को पावर मिली रहे, तो इसके लिए एक लूप कनेक्ट करेंगे। ये यहाँ लूपिंग कर लेंगे एक NO का और एक NC का, दोनों का एक एक टर्मिनल आपस में लूप लगा देते हैं उसके बीच में। और साथ में जो इनपुट फेज आएगा फेज वाली वायर
वो कनेक्ट करेंगे। तो ये इनपुट फेज के लिए हमने वायर कनेक्ट कर दी है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम जो एनसी टर्मिनल है, एनसी वो ऑफ वाले इंडिकेटर यानी कि ग्रीन कलर के इंडिकेटर में कनेक्शन करेंगे, जो एनसी का एक टर्मिनल बचा है, और एनओ टर्मिनल का एक में हमने इनपुट कनेक्ट कर दी और दूसरा जो खाली है उसमें हम ऑन इंडिकेटर यानी कि रेड कलर का इंडिकेटर में वायर कनेक्ट करेंगे। तो अभी हम पहले ऑफ इंडिकेटर में वायर कनेक्ट करेंगे, ये जो एनसी टर्मिनल है इसमें वायर कनेक्ट करेंगे, जो एक में तो इनपुट कनेक्ट कर दी फेज, आउटपुट में वायर कनेक्ट कर लेते हैं। और इस वायर का दूसरा एंड हम ऑफ इंडिकेटर यानी कि ग्रीन कलर के इंडिकेटर में कनेक्ट करेंगे। ये इंडिकेटर फ्रेंड्स अपने हिसाब से भी है, अगर हम चाहें तो ऑफ इंडिकेटर रेड भी कर सकते हैं और ग्रीन भी ले सकते हैं, वो अपने हिसाब से आप कर सकते हो। तो इसको हम ग्रीन ले रहे हैं, ऑफ इंडिकेटर, तो ये इसमें हमने यहाँ कनेक्ट कर लिया। इसके बाद हम ऑन इंडिकेटर वाली वायर कनेक्ट करेंगे, जो कि एनओ का दूसरा टर्मिनल, एक में इनपुट फेज कनेक्ट कर दिया और दूसरा अभी खाली है, तो यहाँ वायर कनेक्ट करेंगे। और इस वायर का दूसरा एंड हम इंडिकेटर में जहाँ फेज कनेक्ट होता है वहाँ कनेक्ट करेंगे इसको। ये फ्रेंड्स हमने ऑन इंडिकेटर में ये वायर यहाँ कनेक्ट कर दी है। अब इसके बाद हम जो रेड कलर की वायर है जो हमने कंट्रोल पावर के लिए एमसीबी लगा रखी है, तो उसमें ये पावर में फेज में कनेक्ट कर देंगे रेड कलर की वायर, और ब्लैक वाली हम न्यूट्रल में कनेक्ट कर लेते हैं। तो इधर हमारी एमसीबी है तो इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने इसमें न्यूट्रल और फेज दोनों कनेक्ट कर दिए हैं। अब फ्रेंड्स हमने एनसी जो टर्मिनल है वो ऑफ के लिए ऑफ वाला इंडिकेटर कनेक्ट किया है और एनओ में ऑन वाला। तो ये क्या होता है, जैसे कि हम अभी हमारी एमपीसीबी ऑफ है तो उसमें क्या है, ये जो एनसी टर्मिनल है वो अभी एनसी है, तो इसलिए जब इसमें पावर आएगी हम एमसीबी जो हमने लगाई है कंट्रोल पावर के लिए उसको ऑन करेंगे, तो ये वाला ग्रीन कलर का जो इंडिकेटर है वो ग्लो करेगा यानी कि ये ऑन हो जाएगा। तो उसमें ये एनसी है तभी ये ग्लो करेगा, अगर हम इसको ऑन करेंगे या ऑन भी कर देंगे उस टाइम ये क्या है कि एनसी एनओ हो जाता है और एनओ एनसी हो जाता है। तो इसमें जब ये ऑन करेंगे तो ये एनओ जो है वो एनसी हो जाएगा, तो उसमें हमारा रेड कलर का इंडिकेटर ग्लो करेगा। तो चलिए फिर इसको अभी हम पावर जो दी है हमने कंट्रोल पावर के लिए एमसीबी लगाई इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करते ही देखिए फ्रेंड्स ये हमारा ग्रीन कलर का इंडिकेटर ग्लो कर रहा है, अभी इसमें अभी ये एनसी है तो इसलिए ग्लो कर रहा है। ये हम ये जो एमपीसीबी उसको ऑन करेंगे तो ये वाला एनओ हो गया एनसी से, और जो एनओ में एनओ था वो एनसी हो गया, तो इसलिए ये रेड कलर का इंडिकेटर ऑन हो गया। तो हमको इससे क्या है, ये पैनल के बाहर जो वायरिंग होती है बाहर लगे रहते हैं इंडिकेटर, तो उसमें हमको पता लगेगा कि हमारी एमपीसीबी अभी ऑन है या ऑफ है। अगर ऑफ करेंगे तो उसमें ग्रीन कलर का इंडिकेटर
गेटर ऑन हो जाएगा, और ऑन करेंगे तब रेड कलर का इंडिकेटर ऑन होगा। अगर ये ट्रिप होती है तो भी ये ग्रीन कलर का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अभी ट्रिप है लेकिन ग्रीन कलर का इंडिकेटर ऑन हो गया, तो हमको इससे ये पता लगेगा कि हमारी MPCV अभी ऑफ है। तो इसको हम दोबारा रीसेट करके ऑन करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहे हमारा चैनल इलेक्ट्रिक गुरु। जय हिंद।